गाइस वेलकम बैक टू द टीओसी प्लेलिस्ट। और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हमने रिकर्सिव लैंग्वेज पढ़ी जो किस में काम आती है, फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। अब मैं बात करूंगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर यानी पीडीए के अंदर कौन सी लैंग्वेज काम आती है। तो वो काम आने वाली लैंग्वेज है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये होती क्या है, तो CFL आर द सेट ऑफ द लैंग्वेज डेट आर एक्सेप्टेड बाई द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा टू प्रोवाइड एस द सम इन्फॉर्मेशन द प्रॉपर्टीज ऑफ द CFL आर। इसकी प्रॉपर्टी देखो कि है ना, जैसे एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज है उनका यूनियन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन यानी कॉन्टैनिकेशन होता है, कंकेटिनेशन हो सकता है, थर्ड वन होता है आपका कि यहाँ पर क्लीन क्लोजर यानी एल स्टार बन सकता है, और अगर बात करूँ फोर्थ की तो नॉट क्लोजर अंडर इन द सेक्शन यानी इंटरसेक्शन के अंदर है ना, ये आपने नहीं हो सकता है कि क्लोजेस्ट नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन यूनियन के केस में इसको किया जा सकता है। आई बात समझ में। और फिफ्थ वन कहता है कि CFL आर नॉट क्लोज्ड अंडर इन कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट में भी इक्वल टू नहीं होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी इनको आपको याद रखना होगा। अब मैं बात करता हूँ एम्बिग्यूटी ऑफ CFG, एम्बिग्यूस ग्रामर क्या होती है या नॉन एम्बिग्यूस ग्रामर या अनएम्बिग्यूस क्या होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ एम्बिग्यूटी एंड द CFG। तो देखो पास्ट ट्री अपन जनरेट करते हैं तो ग्रामर के थ्रू जनरेट करा तो वो यूनिक नहीं होगा, क्योंकि अपन उसको देखो लेफ्ट मोड से भी बना सकते हैं और राइट मोड डेरिवेशन से भी बना सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बन जाता है एक ही ग्रामर का। तो एम्बिग्यूस ग्रामर कौन सी होती है, ग्रामर डेट प्रोड्यूस मोर देन वन पास्ट ट्री इज कॉल्ड एम्बिग्यूस ग्रामर, यानी एक से ज़्यादा पास्ट ट्री बन रहे तो एम्बिग्यूस ग्रामर कहलाएगी। एंड द एम्बिग्यूस ग्रामर आर अनडिजायरेबल बिकॉज द मल्टीपल ट्रीज प्रोवाइड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सर्टेन ट्री एंड एम्बिग्यूटी इज द नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रामर। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने पास अनवांटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूजन जनरेट होगा, तो ऐसी हमको तो नहीं चाहिए ग्रामर। तो एम्बिग्यूटी इज ए नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रामर। अब अनएम्बिग्यूस क्या होगी, अनएम्बिग्यूस वो ग्रामर होगी कि इफ ए पार्ट ट्री प्रोड्यूस बाय द ग्रामर इज ए यूनिक दैट इज ओनली वन ट्री जनरेटेड बाय फॉर ए गिवन स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए केवल एक ही पार्ट ट्री बन रहा है, तो वो हो गया हमारा अनएम्बिग्यूस ग्रामर। अब देखो इस वाले एग्जांपल में हमें ये दे रखा था प्रोडक्शन रूल, हमने क्या बनाया कि लेफ्ट मोड डेरिवेशन राइट मोड डेरिवेशन से इसको जनरेट किया, एक पार्ट ट्री ये बना एक पार्ट ट्री ये बना। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये इसका मिरर ही है, मिरर है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, दो पार्ट ट्री बन गए इसके अंदर। अगर दो पार्ट ट्री बन गए तो क्या होगी, ये ग्रामर एम्बिग्यूस ग्रामर। तो आपको क्या होगा, देखो आपको लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट आना निकालना आना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब देखो इसके थ्रू आप निकाल लोगे पार्ट ट्री, फिर अगर अलग अलग आया तो आप बता दो कि एम्बिग्यूस है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो नीचे, एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो आपको वही प्रोडक्शन रूल दे रहा है और लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट दोनों निकालने को बोल रहा है, इस बार तो ये पूरा ही अलग आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीपल पार्ट ट्री हो गए, मल्टीपल्स हो गई, तो ये ग्रामर भी क्या हो गई, एम्बिग्यूस हो गई।